नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों ने 20 मिनट के अंदर 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश फायरिंग कर 1.22 लाख रुपए लूट ले गए। फायरिंग में पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन छर्रे लगने से घायल भी हो गया। एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 9:45 बजे एक कार में सवार बदमाश शिव पेट्रोल पंप पर पहुंचे और तेल डलवाने की बात कहते हुए सेल्समैन को बुला लिया। सेल्समैन हरीश मौके पर पहुंचा तो बदमाशों ने पैसे मांगने शुरू किए। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के वक्त गोली के छर्रे लगने से हरीश घायल हो गया और बदमाश 40,000 रुपए लूट कर ले गए। इसके बाद बदमाशों ने कुछ दूर आगे शहीद बिजेंद्र सिंह पंप पर इसी तरह लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां से बदमाश 22,000 रुपए सेल्समैन से छीन कर जयपुर की तरफ भाग निकले। तीसरी वारदात बदमाशों ने खिजूरी के पास नायरा पेट्रोल पंप पर की और 11,000 रुपए पिस्टल के बल पर लूट लिए। नायरा पेट्रोल पंप पर लूट करने के बाद बदमाश सीधे मनोहर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी तथा 50,000 रुपए लूट कर भाग गए। एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। धाड़ू हेड़ा कसौला वावल थाना पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर सख्त नाकाबंदी कर पूरी रात बदमाशों की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लग पाया। पुलिस की टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।